श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़ जाइएगा। जाने कि आपकी कुंडली में कौन से दोष हैं जिनका आपको निवारण करना चाहिए, या पहले तो हम ये जाने कि कौन सा दोष है। हर एक व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई दोष होता है, किसी को खतरनाक होता है, किसी को तकलीफ देह होता है, किसी को आंशिक होता है, और बहुत सारे दोष होते हैं। तो देखिए, हर एक व्यक्ति की कुंडली, जैसे मैं आपकी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस मुझे नहीं पता है कि क्या है, लेकिन एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है मैं आपसे वो शेयर करूँगा। आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो, चाहे शुक्र पीड़ित हो, गुरु पीड़ित हो, शनि पीड़ित हो, या कोई सा भी दोष हो, तो इन उपायों में से कंटिन्यू आप करेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहला है कि अगर आप पुरुष हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सूर्य के सामने खड़े होकर। इसका पाठ करने से आपके जितने भी ग्रह, क्योंकि सूर्य जो है वो नौ बाकी आठ ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करता है, और अगर आप सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो आंशिक कई सारे जो दोष हैं वो ऑटोमेटिकली इफेक्टेड नहीं रहेंगे और वो आपको कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे। ये एक बात याद रखना। करना कैसे है कि सूर्य को जल चढ़ाना है रोज, सूर्य के सामने खड़े होकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कंटिन्यू करना है। एक भी दिन खाली ना जाए जीवन में, एक भी दिन खाली ना जाए, उसे कंटिन्यू करें। लगभग 100 दिन तो कंटिन्यू रखना ही चाहिए, 100 दिन, 200 दिन, और इसके बाद अगर आपको बहुत फायदा और चाहिए तो उसे कंटिन्यू आप रखें। दूसरी बात है, बहुत से लोगों को मंगल दोष और शनि की साढ़ी सती चलती है, ढैया चलती है, कुछ साढ़ी सती चलती है, इससे परेशानी होती है। तो अगर आपको मंगल दोष से आप पीड़ित हैं तो एक बार आप भात पूजा करा लीजिए। भात पूजा के लिए जरूरी नहीं कि आप उज्जैन में मंगलनाथ जाएं, आप अगर अपने शहर, अपने गांव, जहां भी रहते हैं वहां भी आप भात पूजा कर सकते हैं, उससे भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है। शनि की संबंधित अगर पीड़ा है तो आप उसके लिए अपने पास जो भी पीपल का वृक्ष है वहाँ सरसों के तेल का दीपक रोज लगाएं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये तीन जो बात है ये आमतौर पर लोगों में होता है, जो तकलीफें हैं इससे आपको निजात मिलती है। अब एक महा उपाय ये है कि चलिए मान लीजिए ये सब करने के बाद भी फायदा नहीं मिल रहा है, या आप इस उपाय को करें तो कम से कम आप 1,25,000 बार महामृत्युंजय का जाप कर लें। 1,25,000 बार महामृत्युंजय का जाप करने से आपके पास कोई से भी दोष जो होंगे वो खत्म होने की संभावनाएं होगी और वो कभी भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे। तो कोई से भी दोष हो, इन चीज़ों को यदि आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। नेगेटिव कुछ भी चीज़ें गलत नहीं होगी, सकारात्मक होगी। और ये जो उपाय है ये कोई नहीं बताता, मैंने आपसे शेयर किए हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।